प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वैदिक गणित के एक और बेहद महत्वपूर्ण सूत्र, और ये कहें कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले सूत्र के बारे में। सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो शब्द सूत्र है ये संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी है उनके लिए शुरू में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट, इनका उच्चारण थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप 2, 4, 5, 10 बार इनको बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो सूत्र है वो है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ है ऊर्ध्व और तिर्यक। ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल और तिर्यक मतलब क्रॉस। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका मीनिंग हो गया वर्टिकल एंड क्रॉस। ये जो सूत्र है ये गुणा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम 23 की 12 के साथ गुणा करें तो इस पैटर्न से, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो परंपरागत हमारी विधि है, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम 58 की 45 के साथ गुणा करें तो भी इस तरीके से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो इस सूत्र ने जो हमें विधि दी है उसमें हमें क्या कर रहा है, वर्टिकल और क्रॉस। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन और क्रॉस मतलब जिसको हम एक्स भी कह दे, क्रॉस आप कह सकते हो, आप उसको सिंपली काटा भी कह सकते हो, उसका प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। तो देखते हैं एक बार कि इसमें किस तरह से, जैसे हमारे पास हमें 23 की 12 के साथ गुणा करनी है, तो इसमें जैसे हमने जब हम ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जब हम ये गुणा कर रहे हैं, तो हम 2 डिजिट नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं फिलहाल, मतलब 2 क्रॉस 2 ले रहे हैं, यानी कि 2 डिजिट नंबर के साथ हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इसमें आपके लिए आपको कैसे करना है, अब देखें। सबसे पहला स्टेप जो होगा, स्टेप वन, आपको ये आपके पास 4 पोजीशन है डिजिट की, तो स्टेप वन आपका क्या है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पे 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 6। स्टेप टू, दूसरा जो स्टेप होगा, स्टेप टू हमारे पास इस तरह से है, एक ये 2 डिजिट नंबर है और एक ये 2 डिजिट नंबर है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। स्टेप टू में हमें क्या करना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और इनको प्लस कर देना है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और इनको प्लस कर देना है। अब आप देखो क्या बनेगा, यहां से 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 मिलेगा, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 7। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेप थ्री में फिर इसी तरह से हमारे पास ये 4 पोजीशन है डिजिट की। अब की बार हमें क्या करना है, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरफ, हमारे पास ये जो 4 पोजीशन है उसमें ये 2, इनकी मल्टीप्लाई। यहां से आप इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे, यानी कि हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 276। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र, जिसको हम वर्टिकल एंड क्रॉस भी कहते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग ये तरीका है गुना करने का, मल्टीप्लीकेशन करने का। एक और देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, 58 है और 45 है, इसकी हमें गुना करनी है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा इन दोनों की गुना कितना होगा, 8 5 40, 40 के 0 यहां पे लगा देंगे
और फोर हम यहां पे ऊपर लिख देते हैं। अब हमें किसकी करनी है, इसके इसके साथ ये 25 बनेंगे, 5 × 5 = 25 और यहां पे ये हमारे पास कितना हुआ 32, 8 × 32 तो 25 और 32 इन दोनों को प्लस कर देंगे आप, 25 को और 32 को आप अपने माइंड में ही इनको प्लस कर लें। किस किस को प्लस करना है, 25 को और 32 को अपने माइंड में ही आप इनको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 57 हो जाएंगे और 4 ये हमारे पास कैरी भी थे तो 57, 57 और 4 61 हो जाएंगे। 61 से हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और ये 6, चलो लिखे रहने दो, ये 6 आगे चला जाएगा। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा स्टेप हमारा ये इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, 5 × 20 और 6 ये आगे कैरी जा रहा है तो 20 और 6 26 तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों विद्यार्थियों आपको शुरू में ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन आप देखो जैसे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आप इसको कैसे ओरल कर दोगे। इसके इसके साथ 6, ये 4 और ये 15, 15 और 4 19 से 9 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 के 2 के साथ 10, 10 और 1 11 इस तरह से। ये किसी तरह से आपको 47 की 23 के साथ करनी है तो यहां से आप लिखेंगे 7 की 3 के साथ 21 से 1 आ गया, 2 कैरी चला जाएगा। यहां से इसके साथ करेंगे 12, 4 की 12, 7 दूने 14, 14 और 12 कितने हो जाएंगे 26, 26 और 1 जो 2 ये कैरी थे, 26 और 2 28 का 8, 2 आ जाएगा और 4 दूने 8 और 2 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत फास्ट तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र के द्वारा हम दो अंकों की किसी संख्या की किसी दूसरी दो अंकों की संख्या के साथ गुना कर सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या के साथ किस तरह से ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र के द्वारा गुना करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।